अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज बहुत ही ज़बरदस्त सी आप लोगों के लिए रेमेडी लेकर आई हूँ, एक ऐसी रेमेडी जो आपकी स्किन को वाइट कर देगी, बहुत ज़्यादा ब्राइट कर देगी, आपका कलर बहुत ज़्यादा साफ़ कर देगी, आपकी स्किन को क्लीन एंड क्लियर कर देगी। जितने डार्क स्पॉट्स हैं, एक्नी पिम्पल्स के निशान हैं, पिगमेंटेशन है, डलनेस हैं, वो सारी आपके फेस पे से ख़त्म हो जाएगी। ये रेमेडी जो है ना वो बहुत ज़बरदस्त हैं जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, और ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आपको घर के अंदर से ही मिल जाएंगे, आपको इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी कोशिश यही होती है नाज़रीन कि मैं आप लोगों के लिए जो भी रेमेडीज़ लेके आऊँ वो जो है ना ईज़ी हो, ताकि आप उसको ईज़ीली अप्लाई कर सकें। वीडियो को एंड तक आप लोगों ने वॉच करना है, ये रेमेडी को देखना है, यूज़ करना है, इसको स्किप बिल्कुल नहीं करना। मेरी कोशिश होती है कि आप लोगों से बहुत इजी रेमेडीज़ शेयर करूं। तो आज मैं आपको जो मैं रेमेडी आपको बताऊंगी वो घर की चीज़ों से ही हम लोग बना लेंगे। और सबसे पहले जो इसमें चीज़ लेनी है वो है जो बेसन। हम बेसन का आपको पता है ये स्किन को साफ़ करता है, स्किन में से दाग धब्बे को ख़त्म करता है, मैल को साफ़ करता है। तो आज हम रेमेडी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने इसमें लेना है क्लीन बाउल लेना है, उसमें बेसन दे एक टू स्पून टीस्पून हम लोगों को बेसन चाहिए। आपको पता है ये जो बेसन होते हैं वो स्किन के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है। तो 2 टीस्पून बेसन ऐड करना है। नेक्स्ट में हमने 2 टीस्पून इसमें शुगर ऐड करनी है। तो शुगर मैं आप सबको ये बता दूं कि शुगर ग्राइंड नहीं लेना, ये मोटा मोटा हम लोगों ने शुगर लेना है। इसमें हमने 1 टीस्पून पिंक वाली जो फेयर एंड लवली क्रीम है ये हम लोगों ने लेनी है, स्किन वाइटनिंग क्रीम। आपको पता है फेयर एंड लवली क्रीम होती हैं जो हमारे कलर को फेयर करती हैं। उसके बाद हम लोगों ने 1 लेमन जूस लेना है, पूरे का पूरा लेमन लेना है, और इसके जूस को हम लोगों ने यूज़ करना है। आपको पता है ये जो लेमन जूस होता है वो हमारी स्किन में ब्लीचिंग का काम करता है। हमने इस रेमेडी में ना तो पानी यूज़ करना है और ना ही हमने इसमें रोज़ वाटर यूज़ करना है। अब आपने ये सारी इंग्रेडिएंट्स जो कि मैं आपको दोबारा रिमाइंड करवा दूँ, सबसे पहले तो आपने लेना है बेसन 2 टीस्पून, उसके बाद फिर 1 टीस्पून आप लोगों ने इसमें शुगर ऐड करनी है, शुगर के बाद 1 टीस्पून आपने इसमें फेयर एंड लवली को यूज़ करना है, पिंक वाली को, उसके बाद लेमन जूस लेना है, फिर उसको आपने अच्छे से मिक्सिंग करनी है। इसमें जो शुगर है वो आपके चेहरे पर स्क्रबिंग का काम करेगा, तो आपका जो कलर है बहुत ही फेयर हो जाएगा। आपके इसका जो पैक है वो आप हैंड्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे अपने हैंड पे इसको अप्लाई करके दिखाती हूँ ताकि आपको पता चले कि किस तरह इसको अप्लाई करना है। इस फेस पैक को आप जो है ना यूज़ कर सकते हैं, और इससे आपकी स्किन ब्राइट हो जाएगी और डलनेस भी ख़त्म हो जाएगी। आपने बहुत अच्छे से इसकी एप्लीकेशन करनी है। फेस पैक को आपने हफ्ते में 2-3 बार आप यूज़ कर सकते हैं। इसको आप फेस पर लगा सकते हैं, नेक पे लगा सकते हैं, हैंड पे लगा सकते हैं, और फिर आप देखिएगा 1-2 पैक से ही आपके जो चेहरे पर जो आपकी डलनेस दाग धब्बे सारे दूर हो जाएंगे, चेहरा फेयर हो जाएगा। आपको 2-3 पैक से ही पता चल जाएगा कि आपकी स्किन कितनी साफ़ हो गई है, कितनी क्लीन हो गई है, चेहरे पे कितना सा ग्लो आ गया है आपके। और एक बात मैं बताती चलूँ कि आप जो है ना हर स्किन टाइप वाला इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब इसके लिए कोई ये नहीं है कि स्पेसिफिक स्किन टाइप जो होगी वही बंदा इस फेस पैक को यूज़ कर सकता है। अगर आपकी स्किन एक्नी वाली है या स्किन पे आपको कोई मतलब एक्नी है और इचिंग वगैरह होती हैं, तो ये नहीं कि आप इसको नहीं यूज़ कर सकते। इसमें जो घर के इंग्रेडिएंट्स डाले हुए हैं और इसमें कोई भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जिसको कोई साइड इफ़ेक्ट्स हो, तो आप हर स्किन में इसको यूज़ कर सकते हैं। आखिर में एज़ यूजुअल, जैसा कि आपको पता है कि जब भी मैं अपनी कोई रेमेडी आपके साथ शेयर करूँ तो इन दी एंड मैं आपके साथ कोई ना कोई अच्छी बात ज़रूर शेयर करती हूँ। तो आखिर में एक अच्छी बात कि वक्त जब फैसला करता है तो गवाहों की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसके साथ ही वीडियो को आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना है, फ्रेंड एंड फैमिली में वीडियो को शेयर करनी है, और अपना बहुत 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 ख्याल रखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।